खबर भिंड से है, जहां दो सूत्री मांग को लेकर आउटसोर्स कर्मचारी 3 दिन से हड़ताल पर हैं। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें विभागीय संविलियन और न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 13 के तहत वेतन वृद्धि की जाए और संविदा कर्मियों का नियमितीकरण किया जाए। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का समर्थन करने पूर्व सांसद डॉक्टर राम लखन सिंह ने कहा कि हड़ताल पर बैठे आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग जायज़ है और वह इसके लिए विधायक संजीव सिंह के द्वारा उनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की बात कही है। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा भी हड़ताल पर बैठे आउटसोर्स कर्मचारियों के समर्थन में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों की मांगें जायज़ हैं और वह उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। दो ही मांगे हैं, इनको नियमित करना चाहिए और इनकी और भी परेशानियां हैं। इनके पास ठीक से हम समझते हैं कि उपकरण नहीं होते, फिर भी बेचारे काम करते हैं। तो इनकी जो भी ज़रूरतें हैं, सरकार को पहले सारे उपकरण देना चाहिए। इनको मांगे तो माननी चाहिए, इसके साथ साथ इनकी सुरक्षा के लिए इनको सभी उपकरण देना चाहिए। निश्चित तौर पर बहुत सूक्ष्म मांग है, उन्होंने नियमितीकरण की मांग की है और निश्चित तौर पर इस विषयों को लेकर दो बिंदुओं में उनकी मांग है, तो सरकार को उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और उनसे चर्चा करनी चाहिए। लगातार पूरे प्रदेश भर में आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर होने के कारण पूरी शहर की व्यवस्थाएं विद्युत विभाग की चरमराई हुई हैं। हाँ, ये सही है कहना, जो उनके हड़ताल पर जाने से कार्य प्रभावित हुआ है, लेकिन इतना नहीं, हमने सप्लाई मैनेज की हुई है, रेगुलर स्टाफ है, रेगुलर स्टाफ की ड्यूटी हमने सब स्टेशनों पर लगाई हुई है और एक गैंग भी रखी हुई है शहर में, लाइनों को फॉल्ट ठीक कर रही है, वो रेगुलर स्टाफ से हम काम ले रहे हैं। सिर्फ FOC हमारी जो रहती है फ्यूज ऑफ कॉल, वो प्रभावित हुई है हमारी। अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल हमारी 21 तारीख से निरंतर जारी है, सरकार द्वारा अभी तक कोई आश्वासन और लिखित आदेश जारी नहीं हुए और लगातार दबाव बना जा रहा है अधिकारी वर्ग द्वारा और सरकार द्वारा कि कर्मचारी हड़ताल विड्रॉ करें, अंततः कार्रवाई और चेतावनी हरे पत्र जारी हो रहे हैं, लेकिन ये आउटसोर्स कर्मचारी 15 वर्षों से पीड़ित हैं, ये अपनी गरीबताई में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और महत्वपूर्ण विभाग, अति आवश्यक सेवा वाला विभाग, इसमें 9,000 वेतन पे कर्मचारी अपना जीवन यापन कैसे करेगा इस महंगाई के दौर में।